सेंटर ऊपर ऊपर यहाँ पे नीचे सेंटर में नीचे सेंटर में यहाँ पे बात मिले आप यहाँ पे जी द शो हैज आल्सो बीन नॉमिनेटेड राइट काफी समय से चल रहा है बच्चों और सब परिवार सबके पसंद का है आई थिंक ए परफेक्ट अवार्ड शो है इजंट इट फॉर तारक मेहता बिकॉज तारक मेहता इज फेमस अमंगस्ट द किड्स सो आई थिंक इन अ वे इट्स क्वाइट अ एप्ट अवार्ड शो फॉर आवर शो सो सो आई एम हैप्पी टू बी हियर मैं आज पहली बार किड्स शो में आई हूँ किड्स चॉइस अवार्ड्स में आई हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वंडरफुल इवनिंग लगता है काफ़ी सारा फन होने वाला है यहाँ पे सॉरी मैं बिल्कुल कार्टून नहीं देखती हूँ तो मुझे पूछना वो होगा आई यूज़ टू वॉच टॉम एंड जेरी अ लॉट सो दैट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स टिंटिन येस आई यूज़ टू रीड द कॉमिक एंड आर्चीज आर्ची राइट सो वो पढ़ती थी सो या बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आई डोंट आइडेंटिफाई विद एनी थिंग एंड एनी वन एज ऑफ नाउ आई गेस सो या येस ऑल अवार्ड शुड गो टू बाहुबली आई एम द ह्यूजेस्ट बाहुबली फैन सो आई थिंक ईच एंड एवरी अवार्ड शुड गो टू बाहुबली फॉर एक्टिंग स्क्रीन प्ले VFX for everything. I'm a huge Bahubali fan, so. I have no idea. This is a very personal choice. Unki personal choice hai. She just had a baby. So, abhi dekhte hai. Unko jaisa feel hota hai. How she feels comfortable. Bilkul aayengi wo. Zarur join karengi wo. And she loves us and we love her. And we're looking forward to have her back. But as of now, I personally feel she should, you know, enjoy her motherhood. Jaise unke liye ek naya experience hai. I think she should enjoy that. And jab unko theek lagega, she'll definitely come back. आई डोंट थिंक आई बी इन इंडिया बिकॉज हर साल न्यू ईयर्स में मैं कहीं ना कहीं बाहर बैक पैकिंग के लिए चली जाती हूँ सो डेफिनेटली दिस टाइम आई एम गोइंग समवेयर आई स्टिल डोंट नो वेयर बट मेरे सारे ट्रैवल प्लान्स बहुत ही स्पॉन्टेनियस होते हैं सो लेट्स सी जैसे जैसे शूट होगा अगर मुझे 29th या 30th को छुट्टी मिल जाती है तो मैं विद इन 2 hours बैक पैक करके मैं निकल जाऊँगी सो नॉट रियली मैं कभी भी ये सब उम्मीदें ऐसा सच नहीं रखती हूँ और हमेशा जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग रेजोल्यूशन ज़रूर लेते हैं पर वो कभी पूरा नहीं करते बट हर चीज़ हर साल मैं एक ही रेजोल्यूशन लेती हूँ कि आई वॉन्ट टू ट्रैवल मोर एंड मोर आई वॉन्ट टू सी मोर कंट्रीज आई वॉन्ट एक्सपीरियंस मोर सो दैट्स वॉट एग्जैक्टली वॉट आई फील एज ऑफ नाउ कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस मोर आई वॉन्ट टू ट्रैवल मोर सो लेट्स सी बस क्या कहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा 10 साल से लगातार चल रहा है लोगों का जो प्यार मिला है और आज 11वें साल में भी यहाँ हम लोग नॉमिनेट हुए हैं सुना है ITA हमें तारक मेहता की टीम को कुछ स्पेशल अवार्ड से नवाजने वाले हैं तो बस बहुत खुशी हो रही है कि इतने साल के बाद भी लोग हमें देखना पसंद करते हैं हमारे सीरियल को देखना पसंद करते हैं और
भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज भगवान स्वामीनारायण का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक रखा, इस लायक बनाया कि मैं लोगों के चेहरे पे हंसी बांट सकूँ। बस डे वन से आईटा पहला अवार्ड है टेलीविज़न का, और आज 18 साल से लगातार शशि जी अनु जी ये ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड है। हमेशा ये लोग एवरी ईयर इसका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाते ही जा रहे हैं, और आज भी एक अलग वेन्यू पे ये ऑर्गेनाइज किया है। सो एवरी ईयर ऑफकोर्स आई मीन वी लुक फॉरवर्ड टू आईटी अवार्ड्स। नहीं अच्छा, आई मीन चेंज इज़ इनएविटेबल, मतलब वो तो देखिए जीवन में चेंज तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली इट इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू बिगनिंग। जैसे जब टीवी धीरे धीरे बड़ा होते गया, तब लोगों को, काफ़ी लोगों को एक इंडस्ट्री बन गया, काफ़ी लोगों को मौका मिला काम करने का हर डिपार्टमेंट में, तो उसी तरह अभी वेब सीरीज़ में तो ये और भी बड़ा एक प्लेटफॉर्म है कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप अपनी जो टैलेंट है उसको शोकेस कर सकते हैं। बस भगवान करे नए साल में आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि और आनंद बने रहें। हैप्पी न्यू ईयर। कैन यू बी लिटिल लाउडर, कैन हियर यू। देखिए सबसे बड़ी बात, 18 साल में आदमी वयस्क हो जाता है, मतलब वोट का अधिकार भी 18 में मिलता है, महिला को शादी का अधिकार जो है 18 में मिलता है, तो सरकार भी ये मानती है कि 18 में आदमी बड़ा वयस्क हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, स्मार्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो आईटी आल्सो हैज मैच्योर्ड एंड रीच्ड ग्रेट हाइट्स। हर क्षण बेमिसाल है, 11वां साल चल रहा है, 11th ईयर, कैन यू बिलीव इट। When we started 28 July 2008, nobody knew that we are going to reach till today. 2,600 episodes, the longest running daily comedy of the world. So I am not a part of a show, I am part of history. बस आप ऐसे ही देखते रहिए हमें, और जैसा मैं रोज कहता हूँ, देखते रहिए, हंसते रहिए, और आप सभी को शैलेश लोढ़ा की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2019 आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लाए, समृद्धि लाए। Always ready. Yeah. बोलो जी, क्या कहना है? मैं तो यही कहूंगा, जैसे हर साल आईटी अवार्ड स्पेशल होता है और आज हम स्पेशल बन के भी आए हैं, तो जैसे हर बार खास होता है, एकदम खास होता है, हसम खास होता है, इस बार भी डबल खास हो। जैसे आईटी हर साल कुछ नई नई चीज़ें लेके आता है सबके लिए, तो इस साल और ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेके आए हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना मिलेगा। देखो आप दर्शकों को जब भी अच्छी चीज़ देंगे तो वो लोग आपको प्यार देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉमेडी है, क्लीन कॉमेडी है, पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है, और दूसरी चीज़ है कि उसमें एक मैसेज भी होता है, और आज के टाइम में वो मैसेज बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं और इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। आज 10 साल कंप्लीट किए हैं, आईटा ने 10 साल कंप्लीट किए हैं, दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, दर्शकों को गुदगुदाते रहेंगे, हंसाते रहेंगे और अच्छे प्रोग्राम देते रहेंगे। यस, न्यू ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी लाए और ऑल द बेस्ट। आप अगले साल अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए एक अच्छा स्टेप लो, और लव यू फैंस। हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, हमेशा ये ज़िंदगी में आपके लिए हैप्पीनेस लेके आए और आपकी ज़िंदगी में तंदुरुस्ती लेके आए, क्योंकि हिट है, फिट है, तो ज़िंदगी में सब अच्छा है, तो सक्सेसफुल हों, खुश रहें, मोहब्बत से आगे बढ़ते रहें, और सबसे बड़ी बात याद रखना, आपका देश आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जय हिंद। ऊपर सेंटर में यहाँ पे
सर यहाँ पे सर सामने सर राइट में सर राइट में स्ट्रेट स्ट्रेट सर स्ट्रेट ऊपर ऊपर थैंक यू अजय